नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें कौन सी हैं बताएंगे आपको, लेकिन आइए उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, हमारी कृषि विविधता दुनिया में खाद्य सुरक्षा के लिए है आशा का केंद्र। भारत आज वैश्विक खाद्य और पोषण समस्याओं का कर रहा है समाधान। लोक अदालतों में निपटाए गए 1000 से ज्यादा मामले। केंद्रीय कानून मंत्री ने विशेष लोक अदालत सप्ताह के समापन पर कहा, लंबित मुकदमों की संख्या कम करने के लिए 29 जुलाई से सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुआ था कार्यक्रम। अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप मामले में आरोपी सपा नेता समेत दो अन्य के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। आरोपियों ने अस्पताल में भर्ती पीड़िता के परिजनों को डरा धमकाकर सुलह करने का बनाया था दबाव। रायबरेली फर्जी जन्म प्रमाण मामले में यूपीएटीएस की बड़ी कार्रवाई। 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से टैबलेट, मोबाइल, लैपटॉप, क्रेडिट कार्ड और आधार कार्ड बरामद। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते मनाली और मंडी में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में राहत और तलाश अभियान जोरों पर। केरल के भूस्खलन प्रभावित वायनाड में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी। 91 राहत शिविरों में करीब 10,000 लोगों ने रखी है शरण। और पेरिस ओलंपिक में रूपदक जीत चुकी मनु भाकर की नजर। पदक की हैट्रिक पर अब से कुछ देर में 25 मीटर एयर पिस्टल का फाइनल खेलने उतरेंगी मनु। वहीं तीरंदाजी में दीपिका कुमारी और भजन कौर खेलेंगी प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला। और आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या की, जहां नाबालिग से गैंगरेप के मामले में योगी सरकार एक्शन में नजर आ रही है। आरोपी का घर ढाने बुलडोजर पहुंच चुका है। आरोपी सपा नेता की बेकरी भी सील कर दी गई है। बेकरी का लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। वहीं योगी सरकार के एक्शन से घबराए आरोपियों द्वारा नाबालिग के परिजनों पर सुलह करने का दबाव भी डाला जा रहा है और खासतौर से मना करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई है। मामला प्रकाश में आने के बाद सपा नेता और खासतौर से मदरसा नगर पंचायत के चेयरमैन मोहम्मद राशिद, सपा नेता जय सिंह राणा और एक अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। थाना पूरा कलंदर के पिपरी भरत कुंड निवासी रामसेवक दास ने मुकदमा दर्ज कराया है। FIR के मुताबिक आरोपियों ने गुरुवार रात 11 बजे जिला महिला अस्पताल जाकर पीड़िता को जान से मारने की कोशिश की, साथ ही पीड़िता के परिवार को सुलह करने की धमकी भी दी गई। पीड़िता जिला महिला अस्पताल में ही भर्ती है। आपको बता दें कि इस मामले में सबसे पहले संबंधित थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज पर गाज गिरी। थाना अध्यक्ष पूरा कलंदर रतन शर्मा और चौकी इंचार्ज भद्रसा अखिलेश गुप्ता को निलंबित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त सोहवल तहसील के SDM राजस्व कर्मियों के साथ आरोपी सपा नेता मोहित खान के मकान और जमीनों की पैमाइश करने पहुंचे। वहीं मामले में इंडी गठबंधन की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मौन है, साथ ही कांग्रेस ने भी इस पूरे मामले में चुप्पी साध रखी है। तो इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक्शन मोड में नजर आ रही है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, जिस तरीके से लगातार कार्रवाई इस मामले को लेकर की जा रही है। और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं, जो हमारे संवाददाता हैं वो बताएंगे कि किस तरीके की जो परिस्थितियां फिलहाल बनी हुई हैं उनसे जानकारी लेंगे। लेकिन अभी तक की जो ताज़ा अपडेट है वो यही कि पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो एक्शन मोड में यहाँ फिलहाल नजर आ रही है। यानी अगर कार्रवाई की बात की जाए वो कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। दरअसल इस पूरे मामले को अगर देखा जाए, बताया जा रहा है कि जो खासतौर से जो आरोपी हैं वो अस्पताल भी पहुंचते हैं और पीड़िता और साथ ही उनके परिजनों को जान से मारने की धमकी देने का भी उन पर आरोप यहां लगा है। और माना जा रहा है कि सुलह करने का दबाव बनाया गया था और मना करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। हालांकि इसके बाद जो FIR है उसकी कॉपी भी आप फिलहाल अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसके चलते सपा नेता और नगर पंचायत चेयरमैन मोहम्मद राशिद पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और खासतौर से कार्रवाई की अगर बात की जाए
तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे जो अवैध संपत्ति थी उस पर जो बुलडोज़र है उसकी पैमाइश करने अधिकारियों के साथ जो अधिकारी हैं वो पहुंचे, और उसके बाद बुलडोज़र भी वहां पहुंचता है, और ख़ासतौर से जो बेकरी है उसका लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। इस तरह की जानकारी फिलहाल इस पूरे मामले में निकल कर सामने आ रही है। आपको बता दें, अयोध्या जनपद के भद्रसा कस्बे में नाबालिग बच्ची से गैंगरेप मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक्शन लगातार जारी है। गैंगरेप के आरोपी सपा नेता मोइन खान का घर तोड़ने के लिए बुलडोज़र पहुंचा है। गैंगरेप के आरोपी के घर योगी सरकार का फिलहाल बुलडोज़र एक्शन जो है वो चल रहा है। आरोपी मोइन खान की अवैध संपत्ति पर ये बुलडोज़र एक्शन किया जा रहा है। तो अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप का ये पूरा मामला किस तरीके से, और कहीं ना कहीं जो कार्रवाई की जा रही है, जो योगी सरकार जो एक्शन में नज़र आ रही है उसी से भयभीत नज़र आ रहे हैं जो आरोपी है। उसके बाद जो जानकारी निकल कर आई कि वो करीब रात के 11 बजे पीड़िता के पास पहुंचते हैं अस्पताल में, परिजनों से सुलह करने का दबाव बनाते हैं, और अगर वो सुलह नहीं करते तो ऐसे में उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी जाने की बात सामने आई है। फिलहाल हमारे संवाददाता विकास सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, जानना चाहेंगे पूरे मामले की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है इस पूरे मामले को लेकर। बिल्कुल, एक्शन मोड पर नजर आ रही है, इसलिए आप देख सकते हैं बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो रही है, और ये साफ दर्शा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब कल पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी और जब उसका दर्द सुना था, दर्द के बाद उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस मामले पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित परिवार ने इस बात की मुख्यमंत्री से गुहार लगाई थी कि जो दोषी है, चूंकि वो बहुत मजबूत और ताकतवर लोग हैं, उनके खिलाफ हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, आप हमारी मदद कीजिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मदद का भरोसा दिलाया, उसके बाद शाम से ही एक्शन शुरू हो गया था। थाना अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, चौकी इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाती है, एसडीएम मौके पर पहुंचते हैं, कल पैमाइश की जाती है, क्या क्या चीजें वहां पर इनलीगल है वहां पर, आज जाकर वहां खाद्य विभाग की टीम पहुंचती है, वहां पर जो उसकी बेकरी है आरोपी की, उस बेकरी के सारे सैंपल लिए जाते हैं, जांच की जाती है, और तकरीबन उस जांच में जो चीज पाया जाता है उसके बाद उसकी बेकरी को सील कर दिया जाता है। अब आगे की कार्रवाई वहां पर चालू की गई है, वहां पर बुलडोजर सरकार का पहुंच चुका है जी। हम देख रहे थे पिछले काफी समय से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर भी एक न्याय का प्रतीक बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में गैंगरेप पीड़िता के साथ जिस तरीके से उसने यातनाएं झेली पिछले 2 महीने तक, उसको वीडियो बनाकर उसका गैंगरेप बराबर ये दोनों आरोपी करते रहे, और उसके बाद जब मामला सामने आ जाता है तो आप देखिए इनकी सिर्फ हिम्मत देखिए कि इसके बाद इनके कुछ नुमाइंदे जाते हैं रात को 11 बजे पीड़ित परिवार से मिलते हैं, उन पर समझौता करने का आरोप, तो समझौता करने का दबाव डालते हैं, और दबाव न बनने पर जान से मारने की धमकी की बात करते हैं। इससे इनकी हिम्मत का अंदाजा लगाया जा सकता है, और इन पर कार्रवाई उतनी ही सख्त तरीके से होगी, ये निश्चित रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया है। और जो तस्वीरें अभी आ रही हैं इस बात की गवाही है कि इस पर मामले पर सख्त एक्शन होगा, और तमाम सारे जो अन्य सहयोगी हैं उसके, इतना रखूंगा उसकी फोटो सांसद के साथ वायरल होती है, तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से कितना मजबूत आदमी था वो उस इलाके में, उसके घर पर पुलिस चौकी चलती थी। तो इस मामले पर अब योगी सरकार सख्त हो गई है, और निश्चित रूप से कार्रवाई भी नजीर बनेगी। बिल्कुल विकास, जाहिर तौर पर योगी सरकार तो एक्शन मोड में नजर आ रही है, लेकिन अगर बात की जाए इंडी गठबंधन की या सपा की, वहां से अभी तक हमने देखा है इस पूरे मामले को लेकर किसी तरह का भी कोई बयान जो है वो सामने निकलकर नहीं आया है। जी बिल्कुल, यही एक दुखद कारण है। हम देखते हैं समाजवादी पार्टी कई कई मुद्दों पर उत्तर प्रदेश हो या सेंट्रल में हो, वो कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार को घेरने का प्रयास करती है कई मुद्दों पर, लेकिन जब हम देख रहे थे, चाहे यहाँ का मामला हो चाहे हरदोई का मामला हो, जब होता है यहाँ पर एक बड़ी बात होती है कि जो अपराधी हैं, अपराधी की वजह से कोई जात कोई पार्टी नहीं होती, लेकिन ज्यादातर ऐसा क्यों हो जाता है कि इन अपराधियों की एक विशेष पार्टी से संबंध रखते हैं। इस बात का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में भी किया था, या फिर ये क्या कारण है, और उसके बाद इस मामले पर जो जो नाबालिग लड़की है जो कमजोर वर्ग से आती है, ऐसे में जो है कह रहे हैं उनकी समाजवादी की पार्टी की तरफ से कोई भी नहीं बात उठाता है, चाहे वो डिंपल यादव हो चाहे अखिलेश यादव हो या पार्टी के तमाम बड़े नेता हो,
वहीं दूसरी पार्टी की तरफ से तमाम नेता हो, राजनीतिक दल हो, तमाम सारे लोग पीड़ित पक्ष के साथ नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार इस मामले पर निगाह बनाए हुए हैं। उन्होंने इसका जिक्र सदन में भी किया था, कल पीड़ित परिवार को भी आश्वासन दिया है कि इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। वही एक्शन अब जमीन पर नजर आ रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी भी कोई एक्शन रिएक्शन नहीं नजर आ रहा है। नजर आया था तो वो सिर्फ अपराधी आरोपी जो है उसकी तस्वीरें जो वायरल हुई थी वहां के सांसद के साथ। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर फिलहाल जो सख्त कार्रवाई है वो तो होती हुई यहाँ देखी जा सकती है, लेकिन विकास जिस तरीके से जो अब क्योंकि मामला भी दर्ज हुआ है और रात के समय क्योंकि अस्पताल में लोग पहुँचते हैं और कहीं ना कहीं सुलह का दबाव बनाया जाता है, वहाँ उस वक्त कौन लोग मौजूद थे जो उनके साथ गए, क्या उन पर भी अब माना जाए कि जल्द ही जो गिरफ्तारी है उसकी भी संभावना है? जी बिल्कुल, उन्हीं के खिलाफ मामले में एक्शन लिया गया है, जो FIR दर्ज की गई है। वहाँ के नगर पंचायत है जो सपा के नेता है मोहम्मद रियाज और जो है जयसिंह राणा और एक व्यक्ति के खिलाफ और की गई है, इनका भी ताल्लुक समाजवादी पार्टी से है। यही दर्शा रहा है कि ये पूरा काकस वहां बना हुआ है। वो व्यक्ति इतना मजबूत था आरोपी, उसके तमाम सारे समर्थक, तमाम सारे नगर पंचायत के चेयरमैन जैसे लोग उसके समर्थन में जा रहे हैं समझौता कराने के लिए, तो उस पूरी टीम पर उसका आधिपत्य किस तरीके से था। जब उसकी तस्वीरें सांसद के साथ वायरल होती तो आप समझ सकते हैं कितना मजबूत होगा। तभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सामने आना पड़ा इस कार्रवाई के लिए, और उसके बाद मामले पर एक्शन जारी है। जी बिल्कुल विकास, और जाहिर तौर पर इस बात का अंदाज़ा हम भी लगा सकते हैं क्योंकि जो पीड़िता का परिवार है जैसा आपने बताया कमज़ोर वर्ग से, और ऐसे में उनके लिए जाहिर तौर पर ये एक बड़ी मुश्किल बड़ी चुनौती रही होगी कि ऐसे में जो ये नेता हैं रसूखदार हैं कैसे उनके खिलाफ जो बात है वो कही जाए। लेकिन अब जिस तरीके से योगी सरकार कार्रवाई करती नजर आ रही है तो कहीं ना कहीं उनका भी मनोबल जो है बढ़ेगा, भरोसा बढ़ेगा। बिल्कुल, वही नहीं, इस कार्रवाई से तमाम सारे कमजोर लोगों का भी मनोबल बढ़ता है, क्योंकि अपराधी जो मजबूत है जिसको समाज में अपनी एक रसूख बना के रखा है, जिसके घर पर पुलिस चौकी चलती है, जो सांसद के साथ तस्वीरें खिंचवाता है, ऐसे आदमी मजबूत होते हैं समाज में और कमजोर लोगों को हमेशा दबा के रखने का काम करते हैं। लेकिन पीड़ित पक्ष जब वहां पहुंचा और जब नई मामले की सुनवाई हुई तो तमाम सारे अन्य लोग वहां पर, कुछ स्थानीय नेता उसके साथ आए, खासतौर से निषाद पार्टी के नेता है, भारतीय जनता पार्टी बजरंग दल के कुछ नेता है, उन्होंने इस मामले को उजागर किया। बात जब ऊपर तक पहुंची, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में जैसे ही ये मामला आता है उसके बाद तत्काल से कार्रवाई का सिलसिला जारी हो जाता है, और ये कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा। और निश्चित रूप से जो लोग समझौता कराने आए थे वो उन पर भी कार्रवाई तय है। इन सबकी प्रोफाइल देखी जा रही है, इन सबका आपराधिक इतिहास देखा जा रहा है, उस लिहाजे से इनके खिलाफ सभी मामलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले पर तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पीड़ित परिवार ने कहा है कि क्योंकि नाबालिग लड़की के साथ जो गैंगरेप हुआ है जघन्यतम अपराध हुआ है, इस पर सजा भी सख्त से सख्त होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन भी दिलाया है, क्योंकि हम देख रहे थे पिछले कुछ सालों से उत्तर प्रदेश की पुलिस की गतिविधि भी बदली है, ऑपरेशन प्रोसिक्यूशन के तहत अपराधियों को सख्त से सख्त और समय के अंदर सजा दिलाने की बात कही जाती है, तो वही हो रहा है उत्तर प्रदेश में। वही इस मामले में भी निश्चित है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा जल्द से जल्द इस मामले में आरोपी को सजा दिलाई जाने की कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द जो गिरफ्तारी है उसके बाद जो न्याय है वो पीड़िता को और उसके परिवार को मिल पाए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता विकास बता रहे थे किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अयोध्या की अगर बात की जाए तो यहाँ पर गैंगरेप के इस पूरे मामले में फिलहाल योगी सरकार जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है, लगातार कार्रवाई की जा रही है आरोपियों के खिलाफ। फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुकने, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मुथूट फाइनेंस ने सदियों से आपके भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर वन मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चले। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज पर। अब आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन का विषय टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणालियों के लिए परिवर्तन रहा। इसमें 75 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। डिजिटल कृषि और टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणालियों के प्रदर्शन के साथ साथ भारत की कृषि में हुई प्रगति को सम्मेलन में विशेष रूप से रेखांकित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री संघ द्वारा आयोजित यह त्रिवार्षिक सम्मेलन 7 अगस्त तक चलेगा। भारत 6 दशक से भी अधिक के अंतराल के बाद इसकी मेजबानी कर रहा है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कृषि क्षेत्र में भारत में हुई प्रगति का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि भारत अपने इन अनुभवों को दुनिया के साथ साझा करने को उत्सुक है। आज भारत एक फूड सरप्लस देश है। आज भारत दूध, दाल और मसालों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। भारत फूड ग्रेन, फ्रूट्स, वेजिटेबल, कॉटन, शुगर, टी, फ्रेम्ड फिश, इनका दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। एक वो समय था जब भारत की फूड सिक्योरिटी दुनिया की चिंता का विषय था। एक आज का समय है जब भारत ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, ग्लोबल न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इसके सॉल्यूशन देने में जुटा है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने भारतीय ज्ञान परंपरा में कृषि को लेकर रचे गए ग्रंथों का भी उल्लेख किया। पीएम ने कहा कि ये ग्रंथ दिखाते हैं कि भारतीय कृषि परंपरा में विज्ञान और तर्क को प्राथमिकता दी जाती रही है। इस साल के बजट में भी बहुत बड़ा फोकस सस्टेनेबल फार्मिंग और क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग पर है। हम अपने किसानों को सपोर्ट करने के लिए एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं। भारत का बहुत जोर क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप से जुड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर है। बीते 10 सालों में हमने करीब 1900 नई क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी अपने किसानों को दी है। इसका लाभ भारत के किसानों को भी मिल रहा है। हमारे यहां राइस की कुछ वैरायटीज ऐसी भी है जिनको ट्रेडिशनल वैरायटी के मुकाबले 25% कम पानी चाहिए। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि आज विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा एक किसान नेता सरदार पटेल की है। पीएम ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण में 6 लाख गांवों के किसानों से कृषि यंत्रों के टुकड़े एकत्र करने और फिर उन्हें मिलाकर भव्य प्रतिमा बनाने का जिक्र किया। आज एक किसान सॉइल हेल्थ कार्ड की मदद से ये जान सकता है कि उसे क्या उगाना है। वो सोलर पावर की मदद से पंप चलाता है और वेस्टलैंड में सोलर फार्मिंग से भी कमाता है। वो ई नैम यानी भारत के डिजिटल एग्रीकल्चर मार्केट के द्वारा अपनी पैदावार को बेच सकता है। वो किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग करता है। वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से अपनी फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। किसानों से लेकर एग्री टेक स्टार्टअप तक, नेचुरल फार्मिंग से लेकर के फार्म स्टे और फार्म टू टेबल की व्यवस्था तक, भारत में कृषि और उससे जुड़े सेक्टर लगातार फॉर्मलाइज हो रहे हैं। वहीं सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में कृषि के क्षेत्र में भारत की विकास दर दुनिया में शीर्ष पर है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत की कृषि विकास दर लगातार दुनिया में सबसे ज्यादा बनी हुई है।
हमने जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रयत्न किए हैं, उत्पादन बढ़े, लेकिन साथ में भारत की चिंता भी रही है कि वो उत्पादन सुरक्षित उत्पादन हो, मानव शरीर के लिए भी और धरती के स्वास्थ्य के लिए भी, मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए भी। साथ ही कृषि मंत्री ने भारत के सामने खड़ी हुई समस्याओं का जिक्र करते हुए अर्थशास्त्रियों के मंथन से समाधान निकलने की उम्मीद भी जताई। इस मंच पर विचार विमर्श के माध्यम से जो आज हमारे सामने समस्याएं हैं उनके समाधान में जुटेंगे और मुझे पूरा विश्वास है आपके लगातार चिंतन से, मंथन से जो निष्कर्ष निकलेंगे वो हमारी सतत खाद्य प्रणाली के लिए और भारत की परंपरा है वसुधैव कुटुंबकम की, सारा विश्व एक परिवार है और प्रधानमंत्री जी की चिंता केवल भारत के लिए नहीं है, विश्व के कल्याण के लिए है। तो सीधे तौर पर कृषि मंत्री का यही कहना कि भारत जो है वो विश्व बंधु के तौर पर लगातार काम कर रहा है और कोशिश यही कि इसके जरिए सबको लाभ मिल सके। फिलहाल बुलेटिन में हम यहां रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। बढ़िया है, चलो। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया, नहीं मिर्ची धनिया हल्दी MDH मसाले, सच MDH MDH। वो मिस्टर विकास की फाइल, आप पॉलिसी बाजार। मैम आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार, पॉलिसी बाजार। 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। काट! सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत DD न्यूज़ पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले को लेकर। दरअसल यूपी ATS को इसमें बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ATS की टीम और पुलिस ने 6 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी जनपद के बाहर के निवासी हैं। ये मुरादाबाद, प्रतापगढ़, कुशीनगर, गोरखपुर और सोनभद्र जनपद के रहने वाले हैं। आरोपियों के पास से टैबलेट, मोबाइल, लैपटॉप, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। ATS द्वारा इस मामले में 4 लोग पहले से ही जेल भेजे जा चुके हैं। दरअसल 17 जुलाई को थाना सलोन रायबरेली में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में मामला दर्ज हुआ था। घटना की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए यूपी ATS का सहयोग लिया गया। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए ATS ने उपलब्ध डेटा और साक्ष्यों के आधार पर अब तक 10 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। दरअसल प्रमाण पत्र जारी करने वाले विभिन्न ग्राम विकास अधिकारियों ने जनसेवा केंद्रों को अपना व्यक्तिगत लॉगिन ID और पासवर्ड दे दिया था, जिसके माध्यम से फर्जी प्रमाण पत्र निर्गत किए जा रहे थे। और आइए बात करते हैं हिमाचल की। दरअसल शिमला जिले के रामपुर के साथ लगते समेज क्षेत्र में NDRF और सेना के अन्य एजेंसियों का राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। पानी का लेवल बढ़ चुका है, अभी कंटिन्यूसली लास्ट 3 डेज से कंटिन्यूसली ऑपरेशन जारी है और जॉइंट ऑपरेशन चला हुआ है। जहाँ जहाँ पर पॉसिबिलिटी है बॉडीज़ वगैरह मिलने की, वहाँ पर हमारी जॉइंट ऑपरेशन का NDRF की टीमें, अदर स्टेक होल्डर्स जैसे कि आर्मी, SDRF, सिविल पुलिस एंड ITPPC ऐसा पालसो, तो यहाँ पर कंटिन्यूसली सर्चिंग में है। और यहाँ पर जैसे कि मतलब कि कुछ एक हमारी टीम ऊपर की डायरेक्शन में लगी हुई है जहाँ पर बॉडीज़ मिलने के चांसेज हैं। साथ ही साथ क्योंकि ये लाइव विक्टिम होने के चांसेज तो बहुत ही कम है यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि इन चीज़ों को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, इफ़ देर इज़ देर वेरी एनी टाइप्स ऑफ द पॉसिबिलिटी, तो हमारे पास लाइव डिटेक्टर Typhoon है, जिसकी सहायता से हम जहाँ पर पॉसिबिलिटी है, जहाँ पर वाइड स्पेसेस बनने के चांसेज हैं, तो वहाँ पर हम लाइव डिटेक्टर Typhoon की सहायता से विक्टिम को लोकेट करने की कोशिश करते हैं और टेक्निकल सर्च करते हैं। और साथ ही साथ नीचे की जहाँ पर बॉडीज मिलने के चांसेस हैं वहाँ पर SDRF, NDRF और जॉइंट ऑपरेशन चला हुआ है, जो कि यहाँ पर तातरपानी है, यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम हेयर दिस लोकेशन, तो वहाँ पर भी कंटिन्यूसली ऑपरेशन जारी है।
तो लगातार ऑपरेशन जारी है, कोशिश की जा रही है, तलाश भी जैसा बता रहे थे अधिकारी लगातार की जा रही है। वहीं उत्तराखंड की हम बात करें तो यहाँ केदारनाथ धाम और यात्रा मार्ग पर फंसे तीर्थयात्रियों को निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य तेज़ी से जारी है। अब तक 6,000 से ज़्यादा श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला जा चुका है। केदारनाथ धाम में फंसे श्रद्धालुओं को रेस्क्यू करने के लिए भारतीय सेना के चिनुक और MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद ली गई है। NDRF, SDRF और पुलिस की मदद से पैदल रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। अभी भी करीब 500 से ज़्यादा श्रद्धालुओं के फंसे होने की सूचना है। तो जाना आपने क्या कुछ लगातार जो जानकारी है वो अलग अलग माध्यम से दी जा रही है और कोशिश यही कि जल्द से जल्द राहत बचाव कार्य जो है वो पूरा किया जा सके। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।